सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल स्टडी स्टार्स को और लेटेस्ट वीडियो के लिए इस बेल आइकन को क्लिक कीजिए। हेलो स्टूडेंट, मैं दीपेश केसरवानी अपने इस यूट्यूब चैनल स्टडी स्टार्स में आपको छत्तीसगढ़ से संबंधित वीडियो प्रोवाइड करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं समान हिंदी का एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन। तो देखिए, इस वीडियो में हमने 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपके CGTET के एग्जाम और साथ ही आपके CGPSC के एग्जाम, उन सभी में काम आने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निमित शब्द का पर्याय है। तो निमित शब्द का जो पर्यायवाची है वो है क्षण। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। देखिए, पर्यायवाची आपके एग्जाम में आना है, तो हो सके तो ज्यादा से ज्यादा पर्यायवाची याद रखें। आगे देखते हैं दूसरा प्रश्न, निष्कपट शब्द का संधि विच्छेद है। तो देखिए, निष्कपट जो है वो निह प्लस कपट हो जाएगा, ये जो है आपका विसर्ग संधि है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3, अत्यंत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। उपसर्ग जो कि सामने लगता है, तो अत्यंत में अति जो लगा है वो आपका यहाँ पर उपसर्ग होगा। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा भी क्लियर होगा तो आप आसानी से जान पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 है, मुझसे उठा नहीं गया वाक्य में कौन सा वाच्य है। तो ये जो है भाव प्रकट कर रहा, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3 भाव वाच्य है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, निम्नलिखित में से किस शब्द की वर्तनी सही है। देखिए, नहीं जो लिखा है उसे आप यहाँ पे कट कर देंगे, सही है तो ऑप्शन नंबर 2 अनुग्रहित जो है वो सही लिखा है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, उपत्यका का अर्थ है। तो देखिए, उपत्यका मतलब होता है जो पर्वत के पास की भूमि होती है वो, तो ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर होगा। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो के लिए एक शब्द है, तो अप्रत्याशित। जिसकी पूर्व से, पहले से कोई आशा नहीं था, वो अप्रत्याशित है। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, अपेक्षा का विशेषण रूप क्या है। तो अपेक्षा का विशेषण रूप है अपेक्षित, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। टॉपिक आप देख सकते हैं, इन टॉपिकों से क्वेश्चन आएगा और इन टॉपिकों से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। तो मानक भाषा जो है वो आपके व्याकरण और वर्तनी से शुद्ध भाषा कहलाती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10, गोधूम शब्द का तद्भव है। तो गोधूम शब्द का तद्भव क्या है, गेहूं है, गेहूं को ही गोधूम कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, स ध्वनि का उच्चारण स्थान है। तो देखिए, स ध्वनि का आप उच्चारण करेंगे तो पता चलेगा ये तालु से उच्चारित होता है, तो ऑप्शन नंबर 3 का सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, चार गज मलमल में कौन सा विशेषण है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, परिणाम बोधक विशेषण है चार गज मलमल में। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, शीस का तत्सम रूप क्या है। शीस, तो इसका तत्सम रूप जो है वो शीर्ष है, ऑप्शन नंबर 2 शीर्ष इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने व बोलने में किया जाता है। देखिए, लिखने और बोलने दोनों में जो है वो मॉरिशस में किया जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर होगा। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चौराहा शब्द का समास है। तो देखिए, चौराहा, चार रास्तों की बात हो रही है यहाँ पर, तो संख्यात्मक है, इस कारण द्विगु समास जो है इसका आंसर होगा, संख्यात्मक होने के कारण।
क्वेश्चन नंबर 16, सुर सागर किस भाषा की रचना है? तो सुर सागर ब्रज भाषा की रचना है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है, आंख की किरकिरी होना का अर्थ है। अब देखिए क्वेश्चन में जो ऑप्शन नंबर ए है अप्रिय लगना, ये सूटेबल आंसर है। अप्रिय लगना मतलब आंख में किरकिरी होना, कष्टदायक होना ये भी सही आंसर हो सकता है यहाँ पे, लेकिन ज्यादा सुटेबल आंसर जो है अप्रिय लगना यहाँ पर सही है। आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है। तो मौखिक अभिव्यक्ति का रूप है एक आंसू भाषण, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, वीरों का कैसा हो वसंत कविता किसने लिखी है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान ने लिखी है वीरों का कैसा हो वसंत, ये जो कविता है उसे। अंतिम प्रश्न देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी भाषा में कितनी बोलियां हैं? तो देखिए हिंदी भाषा में 18 बोलियां हैं, तो ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। तो देखिए हमने काफी जल्दी से 20 क्वेश्चन देख लिया, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी, साथ ही आपको टॉपिक भी पता चला होगा कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगर कोई नया स्टूडेंट हमारे चैनल में पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे टेलीग्राम चैनल का भी लिंक दिया गया है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करें।